लो जी। मेरा नाम दविंदर सिंह है जी। सर तुसी इत्थे डिप्टी साहब नूं मिलण आए हो समाणे, की मामला है जी? सर मैं 24 तरीक नूं जी सवेरे 5:30 बजे दिल्ली गया होया सी जी, ते दिल्ली व्यापार दे उच्च गया होया सी जी, अपने पसियाणा चौंकी इंचार्ज उन्होंने मेरे ते परचा दर्ज करता, मेरे और मेरे पिता जी दे जी। मैं आउट ऑफ स्टेशन दी जी, मेरे लवे सबूत ने जी सारे, बस ते गया सी जी मैं, ते इन्होंने 24 तरीक नूं 1:30 बजे मेरे ते परचा दर्ज करया जी 336 ते जी, ते आ मेरे लवे प्रूफ ने जी। मैं कित्थे बैठा सी, मेरे नाल दो मेरे गवाह ने जी, कि दिल्ली तो बंदा पटियाले खिच किवें आजूगा जी, ते ओह मेरे रेड मार रहे ने मेरे घर धक्के नाल, घर महल्ले च आ के जी दरवाजे दी ओह करके पूरी चौंकी इंचार्ज पसियाणा अंकुर ते डकाला चौंकी जी रणधीर सिंह, आ देखो जी किन्नी फोर्स लै के मेरे घर, जिमें नाले मैं SSP साहब नूं दस भी आया सी, मैं जी आउट ऑफ स्टेशन सी जी, सबूत दिया है, उन्होंने DSP समाणा साहब नूं मिलने वास्ते कहा है जी, कि आ देखो जी किवें पुलिस 18 पुलिस जाने गवांढियां दरवाजे खिला खिला के जी कोठे ते जाके पूरी ओह करी है इन्होंने जी, सरेआम धक्का कर रही है पुलिस जी साढ़े नाल, साढ़े खेत साढ़े हक च स्टे होने के बावजूद दूए नूं धक्के नाल साढ़े खेत वाड़ रही है पुलिस जी, जीरी लवा रही है, साडा खेत तो भी खाली पिया जी, पुलिस सानू जीरी लाने तो रोक रही है जी। थोनू ही सर क्यों टारगेट किया जा रहा पुलिस वालों? बस दूई पार्टी से परचा भी दर्ज है जी, उन्होंने कोई इनकुआरी नहीं हुई जी, दो परचे दर्ज है, उन्होंने साढ़े चोरी परचा फसल पढ़ ली सी जी, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस साढ़े वालों साढ़े तो उल्ट साढ़े की कार्रवाई करी जा रही है। तुसीं दस्सिया कि तुसीं SSP पटियाला नूं भी मिल के आए हो, किस तरह का आश्वासन दिता उन्होंने? सर उन्होंने असी 2-3 बारी मिल चुके हैं जी उन्होंने, वो DSP समाणा लवे भेज देंगे ने, असी DSP समाणा साहब लवे मिल जाने, वो SHO अंकुर नूं कह देंगे ने, पर साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस टाइम जी। हुण तुसीं की मंग करदे हो प्रशासन को? असी प्रशासन लवे चाहिए, इंसाफ चाहिए जी, मिले जी, जिहड़ा उन्होंने मुकदमा दर्ज है उन्होंने भी इनकुआरी होनी चाहिए जी। थोड़े दसण मुताबिक जिहड़ा उन्होंने व्यक्तियों के उपर भी एक मामला दर्ज होया, वो की मामला है? वो चोरी दे जी, उन्होंने चोरी साड़ी फसल रात नूं पढ़ ली सी, साढ़े लवे सबूत ने, वीडियो बनी हुई है जी, असी दे भी चुके हैं जी, तो देण दे बावजूद भी उन्होंने कोई हजे कोई रैसट नहीं पाई जी, कोई उन्होंने ट्रैक्टर नहीं फड़िया, कोई मशीन नहीं फड़िया जी। तुसीं दस रहे हो कि उन्होंने व्यक्तियों के उपर चोरी का भी मामला है, थोड़े कोल उहदे सबूत वगैरह है? वीडियो हैगी है सर साढ़े लवे सारी A to Z जी, पेन ड्राइव लगी हुई है, पेन ड्राइव भी सबूतों ने आधार से दी हुई है जी। उसकी FIR कापी कित्थे है जी? और पसियाणा चौंकी च पई है जी, 15-7 दी थाने च पई है जी। वह बापू जी की नाम है जी? चरण सिंह जी। सर बापू जी थोड़ा जो जमीन का रौला है, किन्ने बिस्वे जमीन है, की मामला? 37 बीघे 3 बिस्वे मेरे बेटिया के नौ, उन्होंने नौ गिरदावरी चलती है, 25 साल तो साढ़ा कब्जा, असी बहुत बीजते हैं। मामला की पूरा मामला पूरा दसो विस्तार, थोड़े तो जोड़ा मामला दर्ज होया उहदे बारे विस्तार पूर्वक दसो। साढ़े तो इलीगेशन लाता भी तुम 12 बोर रैफल चलाई आ, साढ़े कोई रैफल नहीं चली, मैं तो खड़िया जाता नहीं, मैं खेत च सड़क से नहीं तुरे जाता, खेत च मैं कितने तुर लूँगा, उच्चे नीवे तो मैनू नहीं दिखता। थोड़े तो ही मामला दर्ज होया? मेरे से भी मामला दर्ज करता। ठीक है, तो हुण प्रशासन तो किस तरह की मांग करते हो? असीं चाहुंदे आ सानू इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, साडा हक सानू मिले, इन्हां ते परचा दर्ज है, इन्हां नूं सज़ा होनी चाहिए है, कंप्लेन फड़नी चाहिए आ, साडी कणक चोरी तो वढ़ ली। ये जिहड़ा मामला तुसीं दस रहे हो ये कुल किन्ने लोगों के दर्ज है? ये दो तो हुण मामला दर्ज करे, बाकी सारे छड़ते, पहला 6-7 तो पहला दर्ज होया है जी। थोड़े बेटे वालों ये भी दस्या गया कि SSP पटियाला नूं भी मिल के आए हो, उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिता? उन्होंने तो बहुत वधिया गल की है जी, कहिंदे बजुर्ग बीमार है भी, ये खड़ा जांदा नहीं इन्हां तों, ये की करनगे, उन्होंने सानू समाणे भेजता जी DSP साहब को। थोड़े किन्ने बंदे कुल मामला दर्ज होया? साढ़े 3 बंदे जी। की नाम है उन्होंने? मेरा नाम चरण सिंह है जी, मेरे बड़े बेटे का नाम मनिंदर सिंह, छोटे बेटे का नाम तमिंदर सिंह। तो हम प्रशासन तो तुम किस तरह की मांग करते हो? मेरा बेटा है नहीं थी, वो दिल्ली गया हुआ थी जी, तो मैं बीमार थी, मैनू दर्द उठा दिल के, मैनू फटाफट
मेरा बेटा और मेरे घर वाली फटाफट मैं टीके लवा के लिया। चौंकी टकाले दे विच पिंड पैंदा जी सुभाषपुर, तकरीबन 24 तरीक नूं सवेरे दुपहरे 12 बजे तो बाद एक जमीन दे पिछे दो तरह आपस च जिहड़ा ऑलरेडी कोर्ट दे विच चलदा पिया, ते उन्होंने एक दिन पहलां सहमति नाल अपने एक इकरारनामा कीता सीगा कि भी असीं उत्थे निशानदेही कराउंदे। जो निशानदेही कराउंदे संबंध दे विच उत्थे जदों जिहड़ा माल विभाग दे जिहड़े कुछ अफसर आए सीगे, तो उत्तों फिर एक पार्टी उत्तों मौके तो बिना दसे उत्थे सारे मुलाजमान चले गए। उस संबंध में जो सारे बयानबाजी इन्होंने अपने सारे जिन्हों के नाल सांझी खेवड सी, तो जिन्हों के महकमे वाले जिहड़े माल महकमा ने जो अपने स्टेटमेंट्स दित्तियां ने, स्टेटमेंट्स के मुताबिक जो फैक्ट सीगे, फैक्ट्स के मुताबिक जिन्हों की जमीन बनती सी उन्होंने अपनी जीरी ला रहे थे। जीरी लाने तो इतराज़ सी दूजी पार्टी नूं, जिहड़े चरण पार्टी सी उन्होंने उत्थे मौके तो आके उन्होंने बदसलूकी की रोकया, तो उत्थे जिहड़ा वैपन है वैपन का भी यूज़ किया गया। उस संबंध में जिहड़ी मदई पार्टी है जिहड़े नवतेज पार्टी सी उन्होंने बयान दिते ने, बयान के मुताबिक जो जुर्म बनता सीगा वह जुर्म का वाधा है ते केस रजिस्टर है। उन्होंने यह भी कहना भी जो जरा केस एफआईआर हुई है उस टाइम मैं दिल्ली गया वा सीगा मुंडे दा, ये बयान ने प्रूफ ने, मैं एसएसपी साहब नूं मिले सुसमंत दे विच जिहड़ी वैपन की गल करते हैं वो वैपन चैक करा लैन दोनों तरह के भी कितों फैर निकलिया वा। देखो जदों भी कोई स्टेटमेंट होंदी है जो भी कोई लड़ाई झगड़ा होंदी है जो सानू इंटीमेशन आउंदी पुलिस नूं तो साडा पहले आधार ते फर्ज बनता है मौके ते उत्थे जाणा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਸ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਂਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਰੀ ਲਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੇਵਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੀ ਪਲੀ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਕਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ